फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा अपना माइनक्राफ्ट का घर। और मेरे घर के टूर के साथ साथ मैं शाउट आउट दूंगा दो लकी कमेंटर्स को मेरे। तो शाउट आउट को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरा घर कैसा है। अभी रात का सीन है, ये देखिए मैंने बाउंड्री बनाई है। ये मेरा घर का सामने गेट है। देखिए मैंने बाउंड्री इसलिए बनाई है ताकि रात में मुझे प्रॉब्लम मत हो। ये बाहर का गेट है, ये देखिए इससे हम बाहर जा सकते हैं। ऐसे मैं अभी रात का समय इसलिए बंद कर देता हूँ वरना मॉन्स्टर आ जाएंगे वापस। और मैंने टॉर्च लगा दी है ताकि रोशनी होती रहे ये बाहर जाने का रास्ता। तो ये बाउंड्री इतनी ऊँची होनी चाहिए। ये पीछे भाग है देखिए मेरे घर का। और मैंने ऊंचा एक टेरेस भी बनाया है ऊपर, उसको ऊपर मैं आपको ले जाऊंगा। बाउंड्री इतनी ऊंची है कि मॉन्स्टर कूद कर नहीं आ सकते, इसलिए मैंने बाउंड्री ऊंची बनाई है। ये मेरा घर का स्टार्टिंग है, ये गेट। इसके बाद ये फर्स्ट रूम है जहां से हम एंटर करते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बना है क्योंकि मैं घर को थोड़ा सा नीचे बनाया हूँ, ग्राउंड लेवल से नीचे, ताकि थोड़ा अंडरग्राउंड का फील आए। तो फिर और नीचे मैंने यहाँ, ये मेरा बेड है, यहाँ सोता हूँ मैं। हाँ, और उसके बाद ये है क्राफ्टिंग टेबल जिसमें क्राफ्ट कर सकते हैं हम बाकी चीज़ें। ये सब मैंने चुरा के लाई है विलेजर्स से पास के। ये भी एक टेबल है। और ये एक रूम है, देखिए यहाँ ये एक रूम है। यहाँ से अंदर जाने का एक सुरंग भी है, वो मैंने बंद कर दिया है ताकि मॉन्स्टर यहाँ से ना आ सके। और मैं आपको टूर दिखाता हूँ। ये टॉर्च मैंने लगाई है। और ये एक रूम है, यहाँ भी एक लूम वाला टेबल है अलग से मैंने रखा हुआ है, टॉर्च यहाँ भी है। तो सब अंडरग्राउंड बनाया है ताकि ये सब कंसील रहे, छुपा रहे। यहाँ भी एक टेबल है देखिए। अलग अलग रूम में अलग अलग कलर के फ्लोर हैं। ये है सैंड, इसे मैं हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा ब्लॉक है। ये सब मिट्टी से बने हैं, ये अंडरग्राउंड है इसलिए सब मिट्टी से बने हैं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं किया मैंने। और ये जो वाइट कलर का मटेरियल है, ये है सैंड। दो सैंड ब्लॉक्स को अगर आप मिला देंगे तो सैंड स्टोन बनता है, जो कि सैंड से काफ़ी हार्ड होता है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पूरा घर इसी से बनाया है। तो हुई ना 200 IQ वाली बात। तो आगे चलते हैं, देखिए मैं आपको टेरेस पे ले जाता हूँ, यानी छत पे ले जाता हूँ जो मैंने बनाई है। ये देखिए मेरे घर का छत से ऊपर जाने वाला रास्ता, यहाँ से ऊपर का नज़ारा लेते हैं। ये देखिए सीढ़ी भी बनाई है मैंने, ये सीढ़ी ऊपर जाती है। और ये है अपना टेरेस, ये अपना टेरेस है जिससे आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ मैंने छज्जा भी बनाया हुआ है, देखिए इसके ऊपर चढ़ के आप ऊपर का नज़ारा ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है, यहाँ पास से नदी बह रही है और काफ़ी हरा मैदान है, यहाँ पहाड़ है। बहुत ही अच्छे लोकेशन पे मैंने अपना घर बनाया है चुन के। ये पीछे देखिए सैंड का पूरा पहाड़ है जिसे खोद कर मैंने माइनिंग की है और ये सब ब्लॉक्स बनाए हैं। वहाँ नीचे तैर रहे हैं मॉन्स्टर्स। रात में ही निकलते हैं, दिन में वो सूरज की रोशनी में जल जाते हैं, इसलिए पानी के अंदर रहते हैं। तो हमें डरने का ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। पर मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि रात में भी हमें डरने का ज़रूरत नहीं है। रात में चूंकि मॉन्स्टर आ जाते हैं, आपको घर के अंदर रहना पड़ता है, इसलिए मैंने बड़ी ऊंची दीवार बना दी ताकि मॉन्स्टर उसको क्रॉस ना कर पाए। तो अब मैं बाहर से आपको इसका टूर मार के दिखाता हूँ। ये देखिए ये गधा है, इसको भगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गड्ढा कर दिया है, ये इससे जुड़ा हुआ था, इसके बीच की पूरी ज़मीन को मैंने काट दिया। और यहाँ भी वैसे ही किया है, पूरी ज़मीन को काट दिया ताकि यहाँ से मॉन्स्टर सीधे मेरे छत के ऊपर से ना आ सके। ये देखिए मज़े ले रहे, ये हरा वाला मॉन्स्टर बहुत ही ख़तरनाक होता है, जैसे आपके पास जाता है चमक के फिर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए आपके मेरे घर को कई बार तोड़ चुका है ये मॉन्स्टर, अचानक ही आ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। तो मिट्टी और रेत तो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, पूरी धज्जियाँ उड़ जाती हैं पूरे बिल्डिंग की, फिर से बनाना पड़ता है सबको। तो फिलहाल तो ये बिल्डिंग देखिए काफ़ी ऊंची बाउंड्री मैंने बना के रखी है ताकि कोई आसानी से चढ़ के इसके ऊपर ना आ सके। तो ये मेरा शुरुआत वाला गेट था, बाहर का गेट, इससे फिर अपन अंदर आ जाते हैं और बंद कर देते हैं इसको। आगे के वीडियो में आपको माइनक्राफ्टिंग की पूरी बेसिक्स बताऊंगा मैं कि हम क्राफ्टिंग कैसे करते हैं, चीज़ों को बनाते कैसे हैं, और क्राफ्टिंग यानी कि दो मटेरियल को मिला के और तीसरा मटेरियल कैसे बना सकते हैं। तो ये बेड है मेरा, इस पे सोने पे लिखा है यू कैन स्लीप एट नाइट ओनली। भाई शाउट आउट देने का समय आ गया है। पहला शाउटिंग है प्रो गेमिंग द्वारा, भाई आप बहुत अच्छे हो।
आप कमाल की वीडियोस बनाते हो, किसी भी वीडियो में मेरी शाउट आउट देना, आप बाकी गेमर्स से अच्छे लगते हो। फिलहाल प्लीज स्टोरी ऑफ हीरो ब्रेन इन माइनक्राफ्ट, प्लीज थैंक यू। थैंक यू आप लोग के कमेंट्स के लिए। मैं हर बार चाहता हूँ कि आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ूँ, उनका रिप्लाई दूँ। तो सेकंड कमेंट जो है सरिता बनवाल की तरफ से है, भाई यू आर बेस्ट बट मैं आपको अच्छे अच्छे कमेंट लिखता हूँ ताकि आप मुझे शाउट आउट दें, बट यू डोंट। प्लीज़ अगला शाउट आउट मुझे, मैं जानता हूँ यू डू इट फॉर योर ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, आई एम योर 20,000 सब्सक्राइबर। तो भाई इनकी तरह आप भी जानते हैं कि मैं आपकी बात नहीं टालूंगा और शाउट आउट जरूर दूंगा। आपका नंबर आएगा, मेरे को कमेंट करते रहिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।